चक्की आसन। बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चक्की आसन, दैट मींस आपने देखा होगा चक्की चलाते हैं मसाला पीसने के लिए, राइट? तो यहाँ पे वो चक्की की बात की जा रही है जो विलेजेस में अक्सर देखा जाता है। एंड ये चक्की आसन को हम करने वाले हैं इन कॉबलर पोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कॉबलर पोज में आना होगा। सो आपको क्या करना है, बोथ लेग्स ओपन आउटवर्ड। ओपन करने के बाद यू हैव टू फोल्ड योर राइट लेग देयर, यू हैव टू फोल्ड योर लेफ्ट लेग देयर। फोल्ड करने के बाद फीट टुगेदर, हील्स टुगेदर प्रॉपरली। देन आपको अपने फिंगर्स को यहाँ पे क्या कर लेना है, इंटरलॉक कर लेना है। इंटरलॉक करने के बाद आपकी जो एरिया है उसे हल्का सा अंदर की ओर लेकर आइए, जितना आप अपने इनर थाइस के पास लेकर आ सकते हो। देन फिंगर्स को इंटरलॉक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्कल्स लेने हैं, दैट मीन्स रोटेशंस लेना है लेफ्ट टू राइट क्लॉक वाइज। जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर स्टार्ट करोगे, आपको आपके लोअर बैक को अच्छी तरीके से रोटेट करना है। यहाँ पे फॉरवर्ड राइट देन बैकवर्ड, अगेन लेफ्ट से फॉरवर्ड राइट एंड बैकवर्ड, इस तरीके से प्रॉपरली आपको इसे रोटेशंस देना है। सेम विथ एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस राइट टू लेफ्ट। And relax. So this we have done with the steps. Now we are moving for the alignments. So first of all, we have to sit in a cobbler pose perfectly. Fold your right leg there. Fold your left leg there. Feet together. Heels together properly. Bring your heels towards your inner thighs. Keep your pelvic area open. Try to bend your knees downward as much as you can. उसे इस तरीके से ऊपर उठा हुआ नहीं रखना है, उसे bend करते हुए flat रखना है। Then इसके बाद आपको आपकी spine को सीधा कर लेना है। जैसे आपने inner thighs के पास अपने पैरों को लाओगे, you will see आपकी जो spine है from your lower spine to your upper spine वो automatically सीधी हो जाएगी। Then हाथों के उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए एंड आपको यहाँ पे रोटेशंस लेने हैं इन कॉबलर पोज लाइक अ चक्की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अ प्रॉपरली सर्कल्स क्लॉकवाइज। लेट्स डू दिस स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। बैकवर्ड भी जाना है, लेफ्ट फॉरवर्ड राइट बैकवर्ड, अगेन लेफ्ट फॉरवर्ड राइट बैकवर्ड, इस तरीके से आपको पर्पल सर्कल्स देने हैं क्लॉकवाइज बाय रोटेटिंग योर वेस्ट प्रॉपरली। एंड स्टॉप। जैसे आपने लेफ्ट से राइट लिया है, यू विल सी आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लोअर बैक से जो इरेक्ट होती है अच्छी तरीके से, लोअर बैक से आपके हिप्स, हिप्स से नीज, नीज से एंकल्स की ओर मूव करती है। एंड द सेकेंड एनर्जी विल बी मूविंग फ्रॉम योर मिडिल स्पाइन टू योर अपर स्पाइन। अपर स्पाइन से आपकी जो शोल्डर रिलैक्स है वहां पे, एंड वो वहां से स्मूथली फ्लो करते हुए टुवर्ड्स योर रिस्ट की ओर आती है। नाउ जब आप यहाँ पे क्लॉकवाइज सर्कल्स लोगे ना, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, आपका एक हाथ आगे की ओर आते हुए एक इनवर्ड आता है, राइट? तो यहाँ पे आउटर हैंड से आपके इनर हैंड की ओर एनर्जी मूव करती है जब आप लेफ्ट टू राइट सर्कल्स लेते हो, राइट? अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, दैट मींस राइट टू लेफ्ट। लेट्स गो अहेड। उसी तरह राइट फॉरवर्ड लेफ्ट बैकवर्ड, राइट फॉरवर्ड लेफ्ट बैकवर्ड, प्रॉपरली अपने कमर को रोटेट करते हुए, दैट मीन्स योर लोअर बैक को रोटेट करते हुए उसे स्मूथली जाना है।
and normal. Same while doing anti-clockwise also, आपका जो हाथ है, जो एनर्जी मैंने कहा, आउटर हैंड से इनर हैंड की ओर मूव करती है. जब आप राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे आपके राइट हैंड से आउटर साइड से आते हुए लेफ्ट साइड आपके हैंड की ओर मूव करेगी, इनर हैंड की ओर. नाउ व्हाइल डूइंग दिस आपको ये ध्यान रखना है, एनर्जी आपके आउटर हैंड से इनर हैंड की ओर मूव करेगी क्लॉक वाइज में भी और एंटी क्लॉक वाइज में भी. साथ ही में आपकी एक एनर्जी वो कंटिन्यूस रोटेट कर रही होगी जब आप अपने लोअर बैक को बढ़िया तरीके से रोटेट कर रहे हो, वो एक जगह पर ही अच्छी तरीके से रोटेशन देती है थ्रू आउट योर लोअर बैक. एंड रिलैक्स. दिस वी हैव डन विद द अलाइनमेंट्स. नाउ वी आर मूविंग फॉर द करेक्शंस. सो अगेन यू हैव टू ओपन अप योर लेग्स. दोनों पैरों को ओपन अप करने के बाद यू हैव टू फोल्ड योर राइट लेग, देन यू हैव टू फोल्ड योर लेफ्ट लेग. फोल्ड करने के बाद आपको अपनी एड़ियों को अंदर की ओर लेकर आना है as much as you can. Then, अंदर की ओर लाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने नीज को अपने फ्लोर की ओर पुल करते हुए अच्छे तरीके से, जैसे आपका पेल्विक एरिया है अच्छे तरीके से ओपन अप हो जाए, आपकी जो स्पाइन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगी फ्रॉम योर लोअर स्पाइन टू योर अपर स्पाइन. आपको आपके नेक को भी सीधा रखना है. After that, your shoulder should be relaxed. आपके shoulder को ज़्यादा congested नहीं करना है. जैसे ही आपकी upper spine से lower spine तक सीधी हो जाती है, आपको हल्का सा अपने normally chest को expand करना है. Do not expand your more chest. Expand normally. After that, fingers interlock and rotation from left to right clockwise. जितना बड़ा एंगल सर्कल आप ले सकते हो उतना बड़ा सर्कल आपको यहाँ पे लेना है. नाउ सेम विद एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड. Now we are moving for the breathing. So again, आपको पहले आना होगा cobbler pose में. Open up your legs, fold your right leg there, fold your left leg there. Heels together properly. अपने heels को अपने inner thighs के पास लेकर आना है. Knees को हल्का सा pull करते हुए downward. Then आपकी spine automatically straight हो जाएगी. Then you have to interlock your fingers there while merging the breathing. जब आप यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट करोगे सर्कल्स वाइल डूइंग आपको ब्रीद इन करना है और जब आप पीछे की ओर वाइल कमिंग बैक यू हैव टू एक्सहेल. लेट्स डू दिस. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. सेम विद राइट से स्टार्ट करते हुए करेंगे एंटी क्लॉकवाइज. वाइल्ड कमिंग अहेड ब्रीद इन, वाइल्ड कमिंग बैक ब्रीद आउट. लेट्स डू दिस. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अगर आप अपने इनहेल के साथ आगे नहीं जा पा रहे हो, एक्सहेल के साथ कम बैक नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसे नेचुरल ब्रीदिंग के साथ ऑब्जर्व करते हुए रोटेशंस ले सकते हो. लेट्स डू दिस अगेन क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. And relax. So this we have done with the breathing. Now we are moving for the benefits. So first we'll talk about word
your upper back, आपकी spine properly सीधी होती है, stretched होती है, इसलिए कहा गया है it gives a vertical spine stretch. Next is enough high flex. Obviously, जब आप कॉबलर पोज में आ गए हो और आप रोटेशंस लेते हो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, आपकी इनफ है इस तरीके से यहाँ पे फ्लेक्स करती है. नेक्स्ट इज हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच. जब आप यहाँ पे कॉबलर पोज में आने के बाद रोटेशंस लेते हो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो ओपन अप होती है, एक्सपांड होती है, वहां पे भी बढ़िया सा स्ट्रेच आपको मिलता है. Next is remove any congestion around lower back. यहाँ पे आपकी जो lower back है वो अच्छी तरीके से relaxed है, साथ ही में हम यहाँ पे rotation कर रहे हैं lower back से. जब आप lower back से rotation करते हो clockwise anti clockwise, तो जो भी congestion यहाँ पे हम कह सकते हैं जो भी stiffness आपके lower back में होती है वो अच्छी तरीके से remove हो जाती है. Next is improve sitting duration on floor. कई बार आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ इन केस ऑफ प्राणायाम, जब आप सिटिंग पोजीशन में काफी लंबे समय तक बैठते हैं, बट देयर आर सम पीपल हु आर नॉट एबल टू सिट इन अ सिटिंग पोजीशन फॉर अ लॉन्गर टर्म, तो आप उन्हें कॉबलर पोज में चक्की जब कराओगे यू विल फाइंड कि आपके पैरों में अच्छी खासी एनर्जी फ्लो करेगी, जिससे क्या होगा जो पर्सन सिटिंग पोजीशन में इस तरीके से लॉन्गर ड्यूरेशन तक नहीं बैठ पाता है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और साथ ही में वो सिटिंग पोजीशन में काफी लंबे ड्यूरेशन तक बैठ सकता है इन केस ऑफ प्राणायाम आल्सो. नेक्स्ट इज सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लाइक पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवरीज डिजीज. जब आप यहाँ पे कॉबलर पोज में आते हो इनर थाई फ्लेक्स मिलता है, जिससे क्या हो जाता है आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो अच्छी तरीके से ओपन अप होता है और साथ ही में जो इरेग्युलर साइकिल्स वाली इशू आती है वो आपके साइकिल्स जो है नॉर्मली कंट्रोल होने लगते हैं. इट हेल्प्स इन केस ऑफ पीसीओडी आल्सो. नेक्स्ट इज इजीली रिमूव क्रैम्प्स ऑफ योर लेग्स. जैसे कि कई बार आपने देखा होगा देयर आर पीपल जिन्हें बहुत क्विकली क्रैम्प्स आने लगते हैं पैरों में, राइट, और बहुत थोड़ी मूवमेंट करते हुए, तो जब आप ये कॉबलर पोज के साथ चक्की आसन करोगे तो ये आपके क्रैम्प्स आपके पैरों में से इजीली रिलीज कर देगा. नेक्स्ट इज मूव ब्लड सर्कुलेशन नाइसली टुवर्ड्स योर लोअर बॉडी. एज आई सेड आपके यहाँ पे हिप्स, पेल्विक एरिया, नीज, एंकल्स अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है, एंगेज है, जिससे एनर्जी आपकी लोअर बॉडी की ओर टुवर्ड्स योर लेग्स अच्छी तरीके से सर्कुलेट होती है. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग पेल्विक एरिया फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग पोजिशन. जब आप यहाँ पे रोटेशंस लेते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे जो आपका पेल्विक एरिया है वो ओपन अप होता है, ओपन अप होने से वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग आती है. नेक्स्ट इज सार्टिका. सार्टिका इज अ नर्व व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर हिप्स टू योर एंकल्स. बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है रिंकल्स आने लगता है, तो जितना आप उन नर्व को स्ट्रेच करोगे उतना ही वो अच्छे तरीके से लेंथ बढ़ती जाएगी और आपके सार्टिका को क्योर करने लगेगी. तो जब आप कॉबलर पोज में आते हो अपनी एडियो को इनर थाइस के पास लाते हो, आपके हिप्स अच्छी तरीके से स्ट्रेच करते हैं, आपका हैमस्ट्रिंग मसल अच्छी तरीके से स्ट्रेच करता है और साथ ही में जब रोटेशन लेते हो तो और वो अच्छी तरीके से फोल्ड करता है, जिससे वो नर्व को एक बढ़िया सी स्ट्रेच मिलती है विच विल हेल्प टू क्योर योर सार्टिका. सो दिस वी हैव सीन द बेनिफिट्स ऑफ चक्की आसन इन कॉबलर.